मैं कह देता हूँ भाई जो कर रही है वो करने दो उसे, हमें कोई टेंशन नहीं है। सारी रस्में होंगी, सब कुछ होगा, शादी भी होगी गाइस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है मेरी फैमिली से रिलेटेड, मेरी मॉम से रिलेटेड, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का आपको इसमें आंसर मिलने वाला है जो कि आप लोग लिटरली, मैंने अभी तक कोई LGBTQ से ऐसा वीडियो नहीं देखा है, मतलब देखा है इन पास्ट देखा है, अभी के रिसेंट पीरियड में मैंने अभी तक नहीं देखा है ऐसा कोई वीडियो। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अपनी मॉम से पूछने वाला हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैं थोड़े बहुत ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी मैं पूछने वाला हूँ कि मॉम ने मुझे कैसे फेस किया, लाइक क्या हुआ उनकी लाइफ में जब मैं मेरे बारे में उनको पता चला, इवन लोगों से उन्होंने क्या क्या सुना। तो वो सारी चीज़ें आज हम अपनी मॉम से पूछने वाले हैं। तो अभी चलते हैं मम्मी के पास। हाँ, वो अभी नहाई है, तो नहाने के बाद वो बैल्कनी में खड़ी हुई है, उनके पास चलते हैं, उनसे क्वेश्चंस वो बताएंगी कि इन पास्ट क्या क्या हुआ है उनके साथ और मेरे साथ। मम्मी क्या कर रही हो, बाल सुखा रही हो? हाँ। नहा ली? हाँ, नहा ली। अच्छा एक बात बताओ। बताओ। हम तुमसे ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? हाँ। तो मैं ना आंसर करने हैं उसके। ठीक है, पूछे। अच्छा, तुम्हें जब पता चला पहली बार मेरे बारे में, लाइक मैं एक टॉम बॉय हूँ और मुझे लड़कियाँ पसंद है, मुझे लड़की से शादी करनी है, तो क्या सोचा था? देख बेटा, जब कुछ दिन तक तो मुझे समझ नहीं आया, जब एक बार तुमने खुद बताया मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि बहुत ज़्यादा ही, एक सांस चलती हुई रुक गई मेरी। अच्छा। हाँ, फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने कि क्या पता ऐसा होता होगा। देखती रही। कुछ दिन पहले तुम्हें समझाया भी था बेटा मैंने कि अगर ऐसा है तो वो चीज़ अपने तक रखना, लेकिन ऐसा ना हो कि मुझे लोग ताने दें। अपने आप से समझौता कर लिया मैंने, बहुत अच्छे से अपने आप को समझा लिया कि हाँ जब मेरे बच्चा ऐसा है तो फिर मैं लोगों की क्या सुनूं कि जैसे है वो अपनी लाइफ में खुश रहे बस। अच्छा, तो लोगों ने भी तो बोला होगा ना तुमसे, क्या बोला? बहुत कुछ बोला है, बोलते हैं अभी भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बोलते हैं, बोलते हैं, लेकिन अब मैंने भी कह दिया मैंने कि जब जिसमें मेरा बच्चा खुश है, अब वो जैसी लाइफ जी रहा है तो उसमें मैं क्या करूँ, अब उससे भी तो कोई फायदा नहीं है ना कि अपनी जान को वो कुछ कर ले या मर जाए, उससे तो अच्छा है कि अपनी लाइफ जिए। सही बात है, बस इसीलिए ये समझौता। अच्छा अच्छा मम्मी एक बात बताओ, जैसे कि और बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, अगर उनका बच्चे, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने जो टॉम बॉय, जैसे कि मैं हूँ अभी, मैं लड़के की तरह रहता हूँ, ठीक है, लड़के की तरह खाता हूँ जाता हूँ, ऐसा करके बोलना है मेरा, ठीक। मैंने सुना है कि ऐसे और जो पेरेंट्स होते हैं जिनको अपने बच्चे, मैं बहुत ही हिम्मत करके, मैंने कितनी सालों बाद बताया तुम्हें, है ना, बहुत ही हिम्मत करके अगर उनके बच्चे उनको बता भी देते कैसे ना कैसे करके कि हाँ मैं ऐसा हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनकी ना तुरंत शादी करवा देते हैं। ये गलत है, वैसे मेरा मानना तो ये है ये गलत है। अगर उनका बच्चा ऐसा है तो उन्हें सोचना चाहिए कि जिसमें मेरे बच्चे की खुशी है वही खुश, हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि वो अपने उस जिंदगी से जिए हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि वो शादी करके ही खुश रहें, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर जीना चाहते हैं तो वो जिए। माँ बाप को ये जोर नहीं देना चाहिए ना तुझे शादी करनी है, ये जोर नहीं देना चाहिए। बस मेरा तो मतलब इतनी सी बात कहूंगी मैं, बाकी और कुछ नहीं। जैसा भी है बच्चा, कुछ भी सही, माँ बाप की बस इतनी गलती होगी, माँ बाप की कोई गलती नहीं है। माँ बाप बेटा बहुत कुछ सुनते हैं माँ बाप, मैं मानती हूँ, बस माँ बाप की मैं बस यही गलती बताऊंगी कि माँ बाप कभी ये नहीं कहनी चाहिए कि जब तू ऐसी है तो हम तेरी शादी कर देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना। अच्छा तो हम भी इधर आ गए अब। अच्छा अब बताओ, जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने एक टाइम पे आके अपने आपको सेल्फ हार्म किया था, ठीक है, तो मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। उस टाइम पे तुम्हारा पहला डिसीजन क्या था, मतलब क्या सोचा था कि अगर, मतलब उस टाइम तक मैंने बता दिया था तुमने, लेकिन मैंने जहां तक की कोशिश यही करी थी जिससे तेरा पहले था
पहले था तो मैं यही चाहती रही कि मेरा वो आ जाए दोबारा से, तो मेरी लड़की सही हो जाए, हैं कैसे भी करके सही हो जाए। मैं बस ये सोचती रही कि कैसे भी सही हो जाए। उसके बाद तुम्हें समझाया, मैं समझ तो गई थी हाँ ये बात है, लेकिन फिर भी बहुत समझाने के बाद तुम इतने उसमें हुई, थोड़ा सा और कोई आया तुम्हारी लाइफ में, मैं उससे भी कोई मुझे वो नहीं था कि हाँ मेरी लड़की खुश है, बस खुश है इसमें। मैं कभी कुछ कहे ही नहीं, और बता दो तुमसे कभी कुछ कहा है मैंने या कभी कुछ कही है, कही मैंने कभी भी नहीं कही। तो ये गलत है बेटा। अगर मानो माँ बाप ने जोर लगा के शादी कर भी दी, लड़की मजबूर हो जाएगी, कर लेगी शादी, उसके बाद अगर वो तलाक ले ले या वो मतलब मर जाए तो भी तो जिंदगी खराब है ना। इसलिए माँ बाप को ये कभी नहीं करना चाहिए कि वो जबरदस्ती शादी करें अपने बच्चों की। बस हाँ मैं तो यही कहूँगी जबरदस्ती शादी ना करें। बाकी अपने बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि जब हमारे माँ बापों ने हमारे लिए इतना वो करा है तो हम माँ बापों को भी सोचें, माँ बापों को भी समझें वैसे ही। और जब नहीं समझते तो बेटा बहुत दुख होता है, बस मैं यही कहूँ। अच्छा पहली बार जब ये सब तो चलो वो है बात की बात है, जब अगर मैंने 2 साल बाद तुम्हें बताया ना कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, तो बहुत वो भी फोर्स करा था, मेरी बहन ने मेरी सिस्टर ने मुझे फोर्स किया था कि मम्मी को बता, इवन उन्होंने ही पहले इनको बताया था, मैंने डायरेक्टली इनको नहीं बताया था, बाद में मैंने डायरेक्टली बताया है सबको। पर जब तुम्हें पता चला, जैसे कि तुमने बोला कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज कैसे होती है, क्योंकि तुम्हें कभी भी तुमने देखा नहीं ना ऐसा, कभी नहीं देखा हमने तो लाइफ में पहली बार सुनाई है। ठीक है, अब ये सोचो अगर सपोज करो कि ठीक है तुम्हें पता चल गया, पर फर्स्ट टाइम तुम्हें पता चला, तो मतलब होता है ना एक अंदर से अंदरूनी वाली फीलिंग, वो क्या आ रही थी? मतलब मैं पैदा हुआ था तो होता है ना एक आपने फीलिंग्स का मत पूछ संजना, जने जब तू पैदा हुई तो उस टाइम पर बहुत कुछ सोचा था। तो रो क्यों रही हो? चलो होता तो मतलब मेरी भी फैमिली को एक ख्वाब था, कभी ना किसी टाइम पे मेरी भी फैमिली को ये था कि मेरी बेटी की शादी होगी, है शादी होगी, वो कन्यादान होगा, ये वो होगा। तो मैं अभी आज अपनी फैमिली से ये चीज़ रिवील करता हूँ कि हाँ शादी होगी, कन्यादान भी आप करोगी, सब कुछ रस्में निभाई जाएंगी, बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि उसमें आप एक लड़की की तरह नहीं, आपकी नज़र में मैं हमेशा ही लड़की हूँ, और मैं FTM का कुछ सोचा भी नहीं है मैंने कभी, ना ही मेरा इरादा है करवाने का। तो सारी रस्में होंगी, सब कुछ होगा, शादी भी होगी गाइस, मम्मी पापा भी होंगे उस शादी में, सब मतलब यू नो एवरीथिंग होगा। बस मेरी मॉम मेरे को एक जैसे कि लड़की की तरह ट्रीट करती है, अभी मेरी मम्मी मेरे को लड़के की तरह ट्रीट करती है। और शादी में कन्यादान तो करोगी ना, अब कैसा भी हो कर दोगी ना, है ना। तो अभी मेरे मम्मी पापा मतलब मैं अभी मम्मी से रिवील करवा रहा हूँ जो कुछ भी कुछ है। अभी मैं अपने भाई से भी पूछूंगा, अपने पापा से भी पूछने वाला हूँ कि क्या सीन, नहीं पापा तो शाम में आएंगे यार, मैं भाई से पूछूंगा कि वो क्या सोचता है मेरे बारे में, ठीक है मैं उसके पास भी जाऊँगा। मतलब लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, और रिश्तेदारों के तानों के बारे में कुछ कहना चाहिए? ताने बतेरे देते हैं सब कुछ, कोई देता है, कोई देने को कोई छोड़ थोड़ी देता है, पर यही है कि जब तक सुने, जब तक मैंने भी हाँ मैं हाँ मिलाई, लेकिन अब नहीं सुनती हूँ, अब तो भाई जो हो गया वो हो गया, अब दुनिया देखो, उससे मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी कुछ कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड माय मम्मा। तो यही चीज है गाइस, हम लोगों के मतलब पहले तो हाँ स्टार्टिंग पीरियड पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी, बहुत ज्यादा रिश्तेदारों ने बहुत ज्यादा दिक्कतें की थी, हम कहते हैं ना अपने ही तकलीफ देते हैं, वैसा वाला सीन हुआ था। इतना बोल रहे थे बहुत ज्यादा कि ये कैसा गंदगी है, ये है वो है, बहुत कुछ मेरी मॉम के मुंह पे बोला गया था। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने एक ही बार जवाब दिया था, जब बहुत सुन लिया था तो उस टाइम पे जवाब जाके उन्होंने जवाब दिया था सारे रिश्तेदारों को कि मेरी बेटी की लाइफ है, वो कैसे भी जिए, वो कुछ भी करे, वो तुम लोगों से नहीं ले रही है कुछ खाने को, आप लोगों से कुछ नहीं बोलना है उसको, तो उसकी लाइफ है, वो जैसे भी जीना चाहे जी सकती है। जब मेरी मम्मी ने ये बात बोली थी तो उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो यहाँ पे था ना गाइस,
मेरा यहाँ पे पहुंच गया था। और मैं हर पेरेंट्स से यही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप उनका साथ, आप अपने बच्चों का साथ थोड़ा सा दोगे ना, तो सीरियसली वो बच्चा शायद वो कर दिखाएगा जो कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो वही है, थोड़ा थोड़ा करके हम भी करने की कोशिश करेंगे। और मैं सच बताऊं, आई लव माय मॉम, उनको उनसे दूर मुझसे भी नहीं रहा जाता है। बट हम लोगों का ये सीन है कि काम के चलते होता है ना, खुद का घर बनाने के लिए इंसान को खुद के घर से दूर रहना पड़ता है, तो वो वाला सीन रहता है। पर हाँ, हम जल्दी मम्मी के साथ भी रहेंगे। ये भी रिवील कर दिया, सब कुछ रिवील कर दिया आज। चलो अभी चलते हैं, अभी भाई से रिव्यू लेते हैं। हाँ बेटे आ जाओ। हाँ तो अभी हम टॉम बॉय हैं, हमने एक लड़की से शादी करी है लल्ला। अच्छा। हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई कुछ कहता है? मुझसे क्या कहेगा, तो जो करना वो करो, मुझे क्या परेशानी होगी। हाँ तो मतलब अगर कोई तुझसे बोलता होगा ना कि बाहर तेरे माँ तुम्हारी बहन ने ऐसा कर लिया, ये है वो, तो क्या जवाब होता है? मैं कह देता हूँ भाई, जो कर रही है वो करने दो उसे, कोई टेंशन नहीं है, बस उसकी जिंदगी है, जीने दो जीने दो बस। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताना। भाई क्या बोल रहा बाद में, मेरे मुंह पे मत लाया कर, वैसे गंदा दिख रहा हूँ, नहाया नहीं हूँ, वो ये बोल रहा था, मैंने कट कर दिया वो। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और वो नेक्स्ट व्लॉग आई थिंक आप मिस मत करना, आई थिंक आप लोग बिल्कुल मिस मत करना वो नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो बाय बाय टाटा।